हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है जो आपका बोर्ड परीक्षा में उसका टाइम टेबल लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये बिल्कुल है नोटिफिकेशन है आज जो आया है सुबह ही, तो मैं इसको अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। यह है माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया एमपी बोर्ड का टाइम टेबल है जो आपका 10वीं और 12वीं का होता है हर साल की तरह बोर्ड का पेपर। तो इसमें बताया गया प्रचार समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय यानी दोनों के लिए, शासकीय अशासकीय दोनों के लिए नोटिफिकेशन है ये। और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक हाई स्कूल शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा प्रशिक्षित संस्थान है मध्य प्रदेश है ना, मंडल द्वारा संचालित 2023 परीक्षाओं का कार्यक्रम के बारे में बात किया गया है इसमें। और चलिए इसमें आगे में क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के वर्ष 2023 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा के परीक्षा कार्यक्रम संलग्न किए जाएंगे। और तीसरा, ये तो ऐसे ही दिया गया है। और तीसरा क्या है, मंडल द्वारा संचालित परीक्षा है, प्रातःकाल 9 से 12 बजे आपका परीक्षा होगा दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपका ये पूरा है। और ये क्या है, 10वीं का टाइम टेबल है, मैं उसके बारे में बात ही कर रहा था। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा नियमित स्वाध्याय दृष्टिहीन मूक बधिर छात्र सहित है ना, तो ये पूरा वो है। और देख लीजिए पहला कौन कौन सा है, मैं बात करता हूँ। बुधवार आपका 1/3/2023 यानी 1 मार्च से आपका स्टार्ट है। पहला क्या है, हिंदी का पेपर आपका 9 बज के स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, 3 घंटे का समय दिया रहेगा आपका। और दूसरा क्या, शुक्रवार को क्या है, उर्दू का है ना, 3 तारीख को आपका उर्दू वाले जो पढ़ते हो वो उनका है, आपसे कोई मतलब नहीं है। और तीसरे नंबर में है 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कुल मिला के आपको 6 दिन का टाइम दिया रहेगा सामाजिक विज्ञान में। और शनिवार के दिन चौथे में क्या है, 11 तारीख को क्या है, गणित का पेपर है और 4 दिन बाद। और मंगलवार को क्या है, 3 दिन के बाद फिर गणित के बाद क्या है, संस्कृत का पेपर है। और फिर 3 दिन बाद किसका है, अंग्रेजी का पेपर है। और फिर 20 तारीख को आपका लास्ट पेपर है किसका, विज्ञान का। तो आप फटाफट अपने परीक्षा में लग जाइएगा। और नेक्स्ट क्या है, शनिवार 25 को क्या है, मराठी गुजराती वालों का है जो मूक बधिर है दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक पेपर है। और सोमवार 27 को क्या है, NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ना, ये जो विषय ये होते हैं जो एक्स्ट्रा होता है जो किसी किसी स्कूल में अवेलेबल होता है बाकी किसी में नहीं होता, उन लोगों का पेपर है। तो आपका बता दें आपका 20 तारीख तक है, आपको दो दिन से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए निर्देश क्या क्या है आप इसको पढ़ लीजिए। परीक्षा केंद्र में क्या है, 8 बजे अनिवार्य हो जाना है आपको। और COVID-19 का संरक्षण में विद्यार्थी अपना मास्क वास्क पहन के आएंगे, हैंड सैनिटाइजर सब लेके आएंगे। तो यही सब बताया गया है नियमों में। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 12वीं का क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा क्या है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा इन लोगों का पेपर है। इनका भी 9 से 12 से पेपर है। और इनका पेपर स्टेट कब होगा, क्या होगा, 2 तारीख से गुरुवार के दिन से इनका पेपर पहला स्टार्ट हो जाएगा। पहला क्या है, हिंदी का पेपर है। और शनिवार 4 तारीख को 2 दिन की छुट्टी के बाद किसका है, अंग्रेजी का पेपर है। और सोमवार के दिन 6/3/2023 को 6 मार्च को किसका है, फिजिक्स का है, इकोनॉमिक वालों का पेपर है। और विज्ञान के तत्व भारतीय कला साहित्य वालों का इतिहास है ना। और शुक्रवार के दिन 10 मार्च को किसका पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है 4 दिन बाद। और फिर 3 दिन बाद किसका है, बायोटेक्नोलॉजी वालों का पेपर है, गायन वादन तबला बकवास क्या है। और 15 तारीख को 15 मार्च को क्या है, राजनीति शास्त्र का पेपर है। और नेक्स्ट क्या है, 7 तारीख को किसका है, केमिस्ट्री का है, इतिहास वालों का है, व्यवसाय अध्ययन वालों का पेपर है। और 21 तारीख को क्या है, मैथमेटिक्स का पेपर है। कुल मिला के आपको 2 दिन का छुट्टी दिया है मैथमेटिक्स में, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। और जो मैथ लिए हैं वो फटाफट अभी से आप अपने
तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। कितने दिन का है? सिर्फ आपका 18 से ले 19-20 का, 2 दिन का आपका टाइम दिया है, तो आप फटाफट लग जाएगा। और है 24/3/2023 है ना, 24 मार्च को किसका है? समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक वालों का पेपर है, होम साइंस कला समूह वालों का पेपर है। और 27/3/2023 को क्या है? इंफॉर्मेटिव प्रो प्रैक्टिसेस का वालों का पेपर है। और फिर नेक्स्ट किसका पेपर है मैं आपको बता दूं, मंगलवार 28 मार्च को इसका भूगोल का पेपर है। और 29 तारीख को क्या है? उर्दू मराठी वालों का, इनसे कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट क्या है? 31 वालों को भी आपको मतलब नहीं है। और 1 तारीख को आपका संस्कृत, जो लिए हैं संस्कृत वालों का पेपर है। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे पेपर, ये सब दिशा निर्देश है जो 10वीं वालों के लिए। ये क्या है? आगे दिया गया है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, ये जो स्नातक करते हैं उनका टाइम टेबल है, तो देख ही रहे होंगे। 10वीं 12वीं का अगर इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कर दो यार वीडियो को। जय हिंद।